हम सब अपनी प्रॉब्लम्स के साथ ब्रेड और जैम की तरह चिपके रहते हैं, और इनफैक्ट जब भी हम किसी से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो लोग कहेंगे छोड़ो। छोड़ना कहना बहुत आसान है, कैसे छोड़ें कोई नहीं बताता। वो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जब प्रॉब्लम हमारी है तो छोड़ना भी तो हमें खुद है ना। कैसे, आज एक और स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ जो मैंने कभी पढ़ी थी और मेरी लाइफ में एटलीस्ट उसने बहुत मुझे हेल्प किया है कि मैं प्रॉब्लम्स को अपने से दूर रखूँ। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुद को जब तक आप यू नो लाइक आई सेड कि ब्रेड जैम की तरह आप अपनी प्रॉब्लम से नहीं जुड़े रहना चाहेंगे, प्रॉब्लम नहीं मैटर करेगी, धीरे धीरे उसकी डिग्री जो है वो कम होती रहती है। सो लेट मी टेल यू, लेट मी शेयर दैट स्टोरी विद यू टुडे। एक बार एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने अचानक लेक्चर देते देते एक पानी का ग्लास उठाया और लोगों से पूछा कि क्या नज़र आ रहा है आपको। लोगों ने, बच्चों ने इनफैक्ट जो उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि वेरी सिंपल, ये तो वो हाफ ग्लासेस हाफ फुल और ग्लासेस व्हाट डू यू सी इन द ग्लास, कि यही वही बेसिक क्वेश्चन होगा। सो ही सेड नो, किल दोज अजम्पशंस। तो आपकी जब प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला लेसन जो इस स्टोरी में से, अभी मैंने स्टोरी कंप्लीट नहीं की, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि द फर्स्ट लेसन दैट आई रेड फ्रॉम दैट स्टोरी वॉज कि जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाने के बजाय अपने दिमाग में अजम्पशंस के घोड़े दौड़ाने शुरू कर देते हैं कि शायद उसने ये कहा होगा या उसने ये किया होगा तभी मैं उसने मुझे ये जवाब दे दिया या ऐसा हो गया, ये मेरे लिए प्रॉब्लम इसलिए आई है बिकॉज इसने बैकबाइट किया होगा। सो किल दोज अजम्पशंस। जैसे ही उनका स्पीच उनकी आगे बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने सिर्फ ये सवाल पूछा कि कैन एनी वन टेल मी वट इज़ द वेट ऑफ दिस ग्लास। नाउ पीपल स्टार्टेड मेकिंग गेसेस कि इतने आउंस होगा या इतने ग्राम्स में होगा, ये होगा वो होगा। उन्होंने कहा कि आर यू डन विद इट, पीपल सेड येस, एंड ही सेड कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि इस ग्लास का वेट, इसके अंदर जो पानी है या उस ग्लास के अपने वेट पे निर्भर नहीं करता, ग्लास का वेट तब निर्भर करता है कि मैं इसे इसी पोजीशन में कितनी देर रख सकता हूँ। अगर मैं इसको अपने हाथ को यू नो जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने ग्लास जो है अपने हाथ में रखा हुआ था और उन्होंने ऐसे उठा के बोला, उन्होंने बोला मैं जितनी देर अपनी आर्म को स्ट्रेच रख सकूंगा, मुझे इसका वेट अभी ये हल्का लग रहा है, 15 मिनट बाद मेरी आर्म जो है वो थोड़ी दुखनी शुरू हो जाएगी तो मुझे भारी लगेगा, अगर मैं सारा दिन शाम तक इसी हाथ में इसी पोजिशन में अगर खड़ा रहूँगा तो ये मुझे और ज़्यादा हैवी लगना शुरू होगा, शायद मुझे लगेगा मेरी आर्म जो है वो पैरालाइज होती जा रही है और अब इसे छोड़ देना चाहिए इफ़ आई वॉन्ट यू नो पीस इन माई लाइफ, अगर मैं अपने आप को और कष्ट ना नहीं देना चाहता। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी जो उन्होंने कही वो ये थी कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी एक ग्लास ऑफ वाटर की तरह ही होती हैं, जितनी देर तक हम उसे अपने हाथ में पकड़ कर रखेंगे वो हमें तकलीफ ही देगी। जिस दिन आप ये सोच लें कि आई हैव यू नो थ्रोन द ग्लास डाउन, ये मैंने ग्लास जो है वो नीचे रख दिया, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो इसलिए जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, ट्राई टू मेक श्योर, आई नो ये हमारी ह्यूमन नेचर है, हम नहीं छोड़ सकते, हम चिपके रहते हैं, बट लाइक आई सेड कि प्रॉब्लम आपसे चिपकी नहीं है, आप प्रॉब्लम से चिपके हैं, देर इज़ अ डिफरेंस इन द टू स्टेटमेंट्स। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा महसूस होना शुरू होना, सिर्फ इस स्टोरी को याद रखिएगा जस्ट लाइक आई डू इन माई लाइफ, एंड टेल योर सेल्फ माई डियर इट्स टाइम टू थ्रो द ग्लास डाउन, कि अब मुझे ग्लास जो है ना वो नीचे ज़मीन पर फेंकना है, आई डोंट वॉन्ट दिस प्रॉब्लम एनी मोर इन माई लाइफ। Try this and सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, I'm sure आपको भी बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाएगा।